अगर आप आर्टिकल्स लिखकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आर्टिकल्स लिखकर अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। इस तरीके से पैसे कमाने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सारा काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर भी आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। मैं आपको एक सीक्रेट तरीका भी बताऊंगा जिस तरीके से आप आर्टिकल्स ले सकेंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पर पहुंच जाएंगे। इस साइट का नाम है paidforarticles.com। दोस्तों, इस साइट पर आप आर्टिकल्स लिखकर पोस्ट करते हैं और जितने ज्यादा लोग आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होती है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको हर कैटेगरी के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा राइट एंड गेट पेड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहां से स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड्स। यहां पर पेपाल, गूगल पे, स्क्रिल, पेटीएम और फोन पे, इन सभी मेथड्स से आप अपनी अर्निंग विड्रॉ करा सकेंगे। मैं यहां से मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पर पे आउट रेट्स आ जाते हैं। अगर आपके आर्टिकल्स को स्वीडन में 1000 दफा पढ़ा जाता है तो उसके बदले में आपको $10 मिलेंगे। इसी तरह सऊदी अरेबिया में अगर 1000 बंदा आपके आर्टिकल्स को पढ़ता है तो उसके बदले में आपको $10 मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने सभी कंट्रीज के रेट बताए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अगर कोई 1000 बंदा आपके आर्टिकल्स को पढ़ता है तो उसके बदले में आपको $5 अर्निंग होगी। दोस्तों, यहाँ पर अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर प्रेस करेंगे और इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेंगे। आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे, यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड और फिर दोबारा पासवर्ड डालकर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। मेरा चूंकि पहले ही अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहां पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर आपकी अर्निंग जो होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आर्टिकल्स पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ऐड आर्टिकल्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हम आर्टिकल्स कहाँ से लेंगे। दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप खुद आर्टिकल लिखें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप उर्दू में आर्टिकल्स को लिखें और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर पब्लिश कर दें। उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर उर्दू में ये थोड़ा सा लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरे पास ये आ गया है। अब मैं इस सारे को कॉपी करके इस वेबसाइट पर पब्लिश करूंगा। पहले मैं टाइटल डालता हूँ तो यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, आप कैटेगरी चूज करें कि आपके आर्टिकल्स की कैटेगरी कौन सी है। मैं यहां से हेल्थ पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो हेल्थ कैटेगरी का है। यहां पर आप 2-3 लाइनों की समरी लिख सकते हैं तो मैं यहां पर यह पेस्ट कर देता हूं। आप इसी तरह 2-3 लाइनों की समरी लिख सकते हैं अपने आर्टिकल्स की। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आर्टिकल जो है वो लिखना है तो मैं यहाँ से इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करें, उसके बाद यहां पर क्लिक करके आप इसे बोल्ड या इटैलिक करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप हेडिंग अगर देना चाहते हैं तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं। मैं यहां से स्क्रॉल डाउन करता हूं। अगर आप अपने आर्टिकल की कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके कोई भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल्स में इमेज होगी तो आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा।
जो बंदा ये आर्टिकल अप्रूव करेगा उसके लिए अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर माय आर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कितने अप्रूव हुए हैं, कितने जो है वो पेंडिंग में है, वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अर्निंग आपको इसी तरह से होगी कि यानी आप जो आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपका आर्टिकल पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। अर्निंग का एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रेफरल से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा होगा रेफरल्स का। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक लिंक मिल जाता है। आपने इस लिंक को कॉपी करके शेयर करना है। जितने ज्यादा लोग आपके इस लिंक पर क्लिक करके आएंगे और इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिखकर पब्लिश करेंगे, जितनी अर्निंग उनको होगी उस अर्निंग का 20% आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों इस वेबसाइट से अर्निंग करने का ये तरीका बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी अर्निंग को विड्रॉ कैसे करेंगे। अपनी अर्निंग को विड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा विड्रॉ मेथड का। आप यहाँ से चूज पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी अपना विड्रॉ मेथड जो है वो चूज करेंगे। यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्क्रिल से अपनी अर्निंग ले सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्रिल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रिल का अकाउंट डालेंगे। अकाउंट डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अर्निंग होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखकर अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।